सरकार स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीयत से आगे बढ़ रही है। बच्चों को बेहतर आहार, शिक्षा और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले की जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत बोरी डांड के आश्रित गाँव की, जहाँ प्राथमिक विद्यालय में 20 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के प्रधान पाठक सुरेश मिश्रा खुद दूसरे हैंडपंप से गंदा पानी मंगवाते हैं। इस दूषित पानी से बच्चों की प्यास बुझाई जा रही है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्कूल में पानी की यह दुर्दशा बनी हुई है। गांव की रसोईया गंगूबाई भी इसी समस्या से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि मध्याह्न भोजन बनाने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर स्कूल में पानी की व्यवस्था होती तो बच्चों के साथ हमारा काम भी आसान हो जाता। प्रधान पाठक ने कई बार स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कब जिम्मेदार इस समस्या पर ध्यान देंगे। अरे पानी तो थोड़ा दूर ही से लाते हैं भाई, पानी के लिए बहुत समस्या है, दूर से आन लाना पड़ता है। बच्चे लोगों को भी परेशानी हो जाता है पानी होने के लिए। जब हेड पम्प टेस्टते हैं उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं निकलता है। खाना बनाने के लिए हेड पम्प सिलाते हैं, दूर ही है। बच्चे लोगों को लिए पीने के लिए भी वही सिलाते हैं। हाँ, बच्चे लोगों को पानी पानी पीने के लिए भी वही सिलाते हैं। बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी में हैंड पंप है अभी, तो ये स्कूल वाला हैंड पंप तो बिगड़ गया है, बोरिंग खराब हो गई है, तो बगल में हैंड पंप है आंगनबाड़ी से, वहीं बच्चे ले आते हैं। बाकी टूटी टोटी वगैरह जब वह टूट गई है, मतलब नहीं बन पाया है अभी तक। खाना के लिए वही आंगनबाड़ी में हैंड पंप है, उसी का पानी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, इसके बारे में भी सरपंच और सभी को जानकारी दे दी गई है कि यहाँ का बोर खराब हो गया है और पानी की दिक्कत आ रही है।